अब मैं आपको कीबोर्ड पे वेस्टर्न नोटेशन और इंडियन नोटेशन का जो लेआउट है उसके बारे में बताऊंगा। वेस्टर्न नोटेशन का जो ये लेआउट आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, जो हर की का जो नेम है सी डी ई एफ वो फिक्स्ड होता है। अगर ये की सी है तो ये किसी भी कीबोर्ड पे सी ही रहेगा और इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो फिक्स्ड होता है। तो वेस्टर्न नोटेशन में होता है कि हर की को एक नाम दिया गया है, जैसे सी डी ई एफ, तो ये जो है इनका जो फ्रीक्वेंसी है और कीज का जो नेम है वो फिक्स्ड होता है, ये कभी नहीं चेंज होता है। तो इस की का जो पोजीशन है या इस की का जो पोजीशन है सी, तो ये हमेशा एनी केस सी ही रहेगा। और ये जो बात है ये सिर्फ वाइट कीज के लिए, तो नीचे जितना भी आप यहाँ से यहाँ तक जो वाइट कीज आप देख रहे हैं पूरा इधर से इधर, उनका जो नाम है वो फिक्स्ड है। और जो ब्लैक कीज आप देख रहे हैं तो हर ब्लैक की का दो नेम होता है। अब इंडियन कीबोर्ड के बारे में देखेंगे। इंडियन नोटेशन सिस्टम में ये तो आपको पता है फर्स्ट नोट सारेगामा पा धा नी है, लेकिन मैंने इसको सा इसलिए माना है ताकि वेस्टर्न में ये जो नोट होता है ये सी होता है, तो आपको कंपेयर करना आसान होगा। लेकिन वेस्टर्न में क्या होता है कि ये नोट जो है वो फिक्स्ड है, कि ये वाला जो नोट है ये नोट ये सी ही होगा, ये जो नोट है ये डी ही होगा, ये फिक्स्ड है, कभी नहीं। लेकिन इंडियन में क्या होता है कि हम अपने स्केल के अकॉर्डिंग, अभी सारेगामा आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन इंडियन में हम अपने स्केल के अकॉर्डिंग जो सारे गाना है वो शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई आदमी ऊंचा गाता है, अभी ये अगर हम इस स्केल पे गाएंगे तो हमारा नोट होगा सारे गामा गरे सा सारे गामा पा। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा और हाई करेंगे, कोई आदमी होगा जो उसका जो सा होगा, अगर उसका सा ये है, आपका जो पा है वो उसका सा है, तो उसका स्केल हो जाएगा सा सारे गामा गरे सारे गामा गरे सारे गामा गरे सा। तो इंडियन स्केल में जो होता है, इंडियन नोटेशन में ये जो सा है वो हर गायक हर प्लेयर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता है। तो उसका सा ये भी हो सकता है और उसका सा आप चेंज कर सकते हैं, ये भी हो सकता है सा, या ये वाला की आपका सा हो सकता है, या कोई अगर लो स्केल में गाते हैं, फीमेल्स लो स्केल में गाती हैं तो उनका सा ये हो सकता है, या फिर और नीचे हो सकता है, यहाँ से भी आप गा सकते हैं, या और नीचे हो सकता है, यहाँ से हो जाएगा सा सारे गामा गरे सारे गामा पामा गरे सा। तो ये बेसिक डिफरेंस है वेस्टर्न और इंडियन में, कि इंडियन में ये जो स्केल है साग जो लेते हैं हम लोग, वो कहीं से भी कोई भी ले सकता है और इससे गाने के ट्यून पे और फील पे कोई असर नहीं होता है। अब ब्लैक कीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हर ब्लैक की का दो दो नाम है, यहाँ सारे ब्लैक कीज का मैंने दो नाम लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्टर्न में ब्लैक कीज का जो नाम होता है व्हाइट की के बेस पे ही होता है, और इसमें दो तरह के नोट्स होते हैं। एक है शार्प नोट, जिसके लिए हम ये साइन यूज करते हैं, दिस इज शार्प, और एक है फ्लैट नोट। फ्लैट नोट के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं जो बी जैसा दिखता है। शार्प नोट का मतलब है कि अगर कोई नोट फॉर एग्जाम्पल सी है, अगर वो अपने पोजिशन से हाफ नोट ऊपर है तो वो शार्प बोलते हैं उसको, और अगर कोई नोट फॉर एग्जाम्पल अगर हम डी लेते हैं, डी है, अगर वो अपने पोजीशन से हाफ नोट नीचे है तो उसको फ्लैट नोट बोलते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला नोट, तो इसमें ये जो फर्स्ट ब्लैक आपको दिख रहा है ये सी से हाफ नोट ऊपर है, तो इसलिए अगर इसको सी के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे सी शार्प। लेकिन अगर यहाँ देखिए डी से पहले है, मतलब डी से हाफ नोट नीचे है फर्स्ट ब्लैक की, तो अगर डी के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हम लोग यहाँ लिखते हैं डी फ्लैट। तो इसलिए एक ब्लैक की का, हर ब्लैक की का दो दो नाम है, और ये क्यों होता है आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम लोग इंडियन वाला देखते हैं। वेस्टर्न नोटेशन में आपने देखा हर ब्लैक की का दो दो नाम था, लेकिन इंडियन में हर ब्लैक की का सिर्फ एक नाम होता है, तो और उसको बोलते हैं हम लोग कोमल या फिर तीव्र। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल वेस्टर्न जैसा है, अगर कोई नोट अपनी पोजिशन अपनी प्लेस से हाफ नोट नीचे हो तो वो कोमल हो जाता है। तो अगर ये फर्स्ट ब्लैक जो है ये रे से पहले है, एक नोट हाफ नोट पहले है, तो इसको बोलेंगे कोमल रे, इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और ये जो सेकेंड जो ब्लैक की है, ये वाला सेकेंड ब्लैक की ग से हाफ नोट पहले ही, देखिए इससे पहले है, तो इसलिए ग से पहले है तो इसका नाम हो जाएगा कोमल ग। लेकिन वेस्टर्न में क्या होता था, इस सेकेंड ये फर्स्ट ब्लैक है और ये सेकेंड ब्लैक है, वेस्टर्न में क्या करते थे, इसको हम ग भी मान सकते थे रे भी मान सकते थे, लेकिन इंडियन में ऐसा नहीं होता है, ये ग ही होगा।
और ये जो नोट है वो कोमल रे ही होगा, मतलब जो नोट के पहले आ रहा है। सिर्फ यहाँ एक केस है कि ये जो नोट है इसको हम लोग तीव्र म बोलते हैं, इसको मैं स्मॉल लेटर से लिखता हूँ, दिस इज दी थर्ड ब्लैक। तीव्र का मतलब है कि जो अपने प्लेस से हाफ नोट ऊपर हो वो तीव्र होगा, और कोमल का मतलब जो अपने प्लेस से हाफ नोट नीचे हो तो वो कोमल होगा। इंडियन सिस्टम में सिर्फ म ही ऐसा नोट है जो तीव्र म, सिर्फ एक ही तीव्र नोट होता है, और कोमल नोट चार है, उसमें कौन सा है, स्मॉल आर जी डी एंड एन। ये हो गया कोमल रे, ये हो गया कोमल ध, कोमल सॉरी कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी। तो ये जो होगा ये आपका हो जाएगा कोमल ध, ये हो जाएगा कोमल नी। तो टोटल इसमें कोमल नोट्स फोर हैं और तीव्र एक ही है। और जो सा और पा है, सा और पफ ये जो होता है इसका कोई भी फॉर्म नहीं होता है, ना कोमल ना तीव्र। तो आपको ये ध्यान देना है कि सा और पा का कोई फॉर्म नहीं होता है, जिसको अचल स्वर बोलते हैं। रे ग ध नी, ये चार स्वर हैं जिनके कोमल फॉर्म होते हैं, और म का तीव्र फॉर्म होता है। एक सप्तक में टोटल 12 स्वर होते हैं। सात नोट्स यहाँ पे हैं नीचे वाले, सात नोट्स आपके ये हो गए शुद्ध स्वर, और बाकी जो ब्लैक कीज हैं उसमें चार कोमल और एक तीव्र, तो दोनों मिला के 7+5 टोटल 12 स्वर होते हैं एक सप्तक में। और सेम वेस्टर्न नोटेशन में भी है, यहाँ वो लोग ऑक्टेव बोलते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ से लेके इस सी तक कंसिडर करते हैं, ये वाला सी लेते हैं और यहाँ से वो शुरू करते हैं, इसलिए वो उसको ऑक्टेव बोलते हैं। लेकिन उससे नोट्स के नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो एक ऑक्टेव में यहाँ से यहाँ कंसिडर करेंगे 7 नोट्स और 5 नोट्स ऊपर, तो इसमें भी टोटल एक अगर इंडियन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टोटल 12 नोट होते हैं। इन 12 स्वरों का अरेंजमेंट कैसे है, अगर हम इसको फर्स्ट नंबर मानते हैं, ये फर्स्ट नंबर है, तो इसके जस्ट बाद वाला जो की है वो आपको देखना है। तो अगर ये 1 है तो इसके जस्ट बाद ये 2 नहीं है, इसके जस्ट बाद 2 ये है फर्स्ट ब्लैक, फिर थर्ड की ये है, फोर्थ ये होता है, फिफ्थ ये होता है, सिक्स्थ ये है, सेवन्थ ये है। वैसे ही आप बढ़ेंगे तो मैंने इसको यहाँ नंबर से आप देखिए ऐसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, क्योंकि हर जो नोट होता है वो एक नोट से हाफ नोट ऊपर है। जैसे ये है सी है, तो इससे थोड़ा सा ये ऊपर है, थोड़ा सा ये ऊपर है, थोड़ा सा ये, तो ऐसे करके इसलिए मैंने इसको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। अब इसमें आपको यही देखना है कि नोट्स का जो नाम था वेस्टर्न म्यूजिक में वो वैसा क्यों था। तो फर्स्ट नोट हमने सी लिया है, तो फर्स्ट पे हम लोग सी लिख रहे हैं, और ये फर्स्ट ब्लैक सेकेंड नोट है आपका, डी थर्ड है, तो थर्ड पे हम लोग लिखेंगे डी। वैसे ही ये फोर्थ नोट है, ये फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट नाइन टेन, ये इलेवेंथ ये 12th। तो वैसे देखिए ई है फिफ्थ पे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ई। सिक्स पे है एफ, तो यहाँ लिखेंगे एफ। एट है जी, दिस इज जी। ए हो गया आपका 10 और बी हो गया 12। अब इसमें शार्प और फ्लैट नोट कैसे लिखना है, अगर आपने सेकेंड वाले को इसको अगर आप सी के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए ये सी से ऊपर है ना हाफ नोट, यहाँ देखिए आप सेकेंड वाला नोट, इसको देखिए सी से ऊपर है, तो इसलिए अगर हम सेकेंड नोट को सी के फॉर्म में लिखते हैं तो ये शार्प होगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सी शार्प। लेकिन अगर डी के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ ड्राइंग में भी देखिए डी से ये सेकेंड वाला नीचे है ना, और यहाँ भी देखिए ये थर्ड है ये सेकेंड है, तो अगर डी के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे डी फ्लैट। मैंने पहले भी आपको बताया कि शार्प नोट जो होता है वो हाफ नोट ऊपर होता है, और फ्लैट नोट जो होता है वो हाफ नोट नीचे होता है, तो इसलिए अगर वैसे सेम रूल अप्लाई करके आप बाकी नोट्स को भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेवेंथ, ये सेवेंथ नोट का नाम लिखना है, तो सेवन यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे भी खाली है, तो अगर हम सिंपली ये डिसाइड कीजिए अगर इसको जी के फॉर्म में लिखना है आपको तो जी फ्लैट होगा इस नोट का नाम, अगर आपको इसको एफ के फॉर्म में लिखना है तो एफ शार्प होगा इसका नाम। वैसे ही इलेवेंथ नोट देखिए ये वाला, इस ब्लैक यहाँ देखिए अभी खाली है, अगर बी के फ्लैट फॉर्म में लिखेंगे आप तो ये बी फ्लैट हो जाएगा, और अगर आप ए के फॉर्म में लिखेंगे तो यही नोट ए शार्प हो जाएगा। सेम चीज हम लोग इंडियन नोटेशन में कर सकते हैं, यहाँ भी नंबर देंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड नोट होगा, फोर्थ, इसको एकदम सीरीज वाइज आपको लिखना है, एकदम इमीडिएट नोट, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। तो फर्स्ट नोट आप देखिए सा है तो यहाँ सा लिखिए, थर्ड वाला रे है तो थर्ड रे हो जाएगा, फिफ्थ नोट ग है ये ग हो जाएगा, सिक्स जस्ट वाला म है ये प है, ये ध,
और ये नी है। इसमें क्या है, इसका जो नोट का जो पोजिशन है ये फिक्स है, क्योंकि इसमें एक कोमल स्वर ही होता है वेस्टर्न म्यूजिक की तरह, यहाँ दो नोट नहीं लगेगा, तो इसलिए ये कोमल ग हो जाएगा, सॉरी ये रे हो जाएगा, ये ग हो जाएगा, ये तीव्र म हो गया आपका, ये कोमल ध और ये कोमल नी। तो ये जो ऑर्डर है आपका, हर जगह आपका यही रूल अप्लाई करेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर सा इसको माना है तो रे कौन सा होगा, इसके जस्ट बाद देखिए कोमल रे है, तो इसके जस्ट बाद ये जो नोट है ये कोमल नी हो जाएगा, उसके बाद देखिए शुद्ध रे है तो ये शुद्ध रे हो गया, उसके जस्ट बाद कोमल रे है तो ये कोमल ग, ये आपका शुद्ध ग, फिर कोमल ग म, फिर तीव्र म प। तो आपको ऐसे ही ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि कहीं से भी जब आप सा शुरू करेंगे तो आपका कौन सा नोट किस की पे आएगा। कहीं कहीं आपने वेस्टर्न नोटेशन में देखा होगा ऐसा C4 या C3 लिखा हुआ या D4 D2, ये क्या होता है, ये आपके ऑक्टेव का नंबर होता है। अगर आपका कीबोर्ड इस मॉडल का है, मतलब अगर उसमें 5 ऑक्टेव्स हैं, तो यहां से हम काउंट करेंगे, ये जो है आपका ये पार्ट, ये है पहला ऑक्टेव, ये हो गया आपका दूसरा ऑक्टेव, और ये इधर 3 और ये 4 और ये 5। तो इसमें टोटल आपको ऐसे कीबोर्ड मॉडल में आपको ये हो गया 1 2 3 5 ऑक्टेव्स होते हैं, और इसमें जो मिडिल वाला ये जो 3 नंबर है ये मिडिल ऑक्टेव होता है। वैसे ही अगर कहीं लिखा रहे C5 तो उसके नेक्स्ट वाला ऑक्टेव होगा, अगर लिखा हुआ है C4, 4 लिखा हुआ है मतलब ये वाला ऑक्टेव है, अगर C5 लिखा हुआ है मतलब ये वाला ऑक्टेव है। वैसे ही अगर आपके आपका जो कीबोर्ड है वो फुल की 88 कीज का कीबोर्ड है या ग्रैंड पियानो है, तो उसका जो मॉडल होगा, यहाँ जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये हो जाता है मिडिल ऑक्टेव, और इसके ठीक इस साइड आपको 3 ऑक्टेव मिलते हैं, तो ये आपका पहला ऑक्टेव है, इधर ये दूसरा, आप सिर्फ नंबर ऑफ ब्लैक कीज काउंट कीजिए, और इधर एक ऑक्टेव, ये दूसरा ऑक्टेव और ये तीसरा ऑक्टेव, तो ये आपका हो जाता है C1 से शुरू होता है, C1 C2 C3 और ये हो जाएगा आपका C4। तो अगर आपका कीबोर्ड 5 ऑक्टेव वाला है तो आपका मिडिल जो कीबोर्ड हो, आपका जो मिडिल ऑक्टेव जो है वो C3 होगा, अगर आपका कीबोर्ड 7 ऑक्टेव का है तो आपका मिडिल जो ऑक्टेव है वो C4 होगा। वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो C5 C6 6 7